आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती। केसीसी इनामी टेनिस बॉल टूर्नामेंट के द्वारा चल रहा क्रिकेट मैच का आज फाइनल दरभंगा रात के अंबस में खेला गया। मुकाबला खेला जा रहा है। आप लोग मैच कब से हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, कौन आ रहा है मुख्य अतिथि आपका? जे मिल क्लब केसीसी टूर्नामेंट टेनिस बॉल हो रहा है यहाँ पर कटलवाड़ी गंडक छात्रावास के पीछे। और ये 2013 से मैच हो रहा है। हर एक साल मौका मिला तो हम लोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे के लेकर के, और मोहल्ला वासियों का सपोर्ट रहता है। साथ में मेरे गंडक हॉस्टल है, बागमती हॉस्टल है, उन लोग का भी सपोर्ट रहा है, यूनिवर्सिटी विभाग का भी सपोर्ट रहा है। इसी कारण हम लोग बहुत दूर दूर से टूर्नामेंट खिलाड़ी को मंगा करके यहाँ टूर्नामेंट कराते हैं। फाइनल मैच है। फाइनल में कौन कौन पहुँचे? जो कि फाइनल में एक है ककरघट्टी और जैसा मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? मेरी मुख्य अतिथि के नगर विधायक संजय सराफी जी अपने आ रहे हैं राज वितरण के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि कुमार, कमेटी का जीएमडी कलम। जैसे हमारे कहाँ की टीम? कटलवाड़ी की है, ककरघट्टी अपने गांव की है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल डे मनाया गया। इस मौके पे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया। कार्यक्रम के उद्घाटन डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने किया। मोस्ट ऑनरेबल सो आई वांट टू गिव आवर ऑनर टू ऑल गुरु who is present here on macro level and micro level. Now I am going to talk about the Captain International School. Name of this school is Captain International School. Name is indicator of the aim of the institution. Name of the institution is the institution. भीजन इंटरनेशनल स्कूल का आज दरभंगा में हुआ शुभारंभ। डिबन काटकर अरुणेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट जज ने किया। मौके पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी, ओम प्रकाश केडिया, अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बहुत अच्छे सर। अपने हृदय की अतल गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। मानता हूँ मैं घटाले साथ चलता, मानता हूँ मैं घटाले साथ चलता, बरस लेता हूँ मगर सावन नहीं हूँ, मगर सावन नहीं हूँ। थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा जो अभी तक कहा गया। आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमको आदमी बनना होगा। मैं चाहूंगा
कि यह स्कूल अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को आदमी बनाए। अगर वो आदमी बन गए तो समझिए कि उनका जीवन सफल है, वरना लोग यही कहेंगे कि इसके पास सब कुछ है लेकिन आदमियत नहीं है। इसलिए अच्छी शिक्षा के बिना अच्छा आदमी बनना भी कठिन है। जरूरत इस बात की है कि एक अच्छी तालीम की तरफ दरभंगा बढ़े। क्या यहां बैठे हुए हर आदमी, उनका परिवार, उनका बच्चे उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? आप यकीन मानो, अगले 30 साल के अंदर हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी दौलतमंद कंट्री बनने वाली है। आपको जानकर के खुशी होगी और ताज्जुब होगा कि 2050 में, आज से 30 साल के बाद, इंडिया दूसरे नंबर पे होगा, चीन नंबर 1 पे होगा। या इस इलाके की आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखिए तो दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी यहां रहती है। कारखाना यहां नहीं, कोई मिनरल्स यहां नहीं, कोई समुद्री रास्ता यहां नहीं, कोई इंडस्ट्री लगने की उम्मीद नहीं, तो फिर यहां आमदनी का जरिया सिर्फ एक है, वो है खेत, एग्रीकल्चर। तो जब आबादी ज्यादा है तो जमीन का बंटवारा कितना कितना सा होगा। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इल्म की जरूरत है। अगर इल्म नहीं होगा तो आपके पड़ोसी, आपके बराबर वाले जो इल्म हासिल करेंगे आगे बढ़ जाएंगे और आप मुंह देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवार को दरभंगा राज रामबाल में जानकी सेना का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुशील झा ने की। मैं माननीय संरक्षक महोदय मृत्युंजय व्यास से आग्रह करूंगा, माँ जानकी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत स्वागत करें। अहा सबके बीच में हम चाहे थी थे, अगर अहा सबके अनुमति हो तो जिला अध्यक्ष। जानकी सेना हमारे मिथिला चल के मातृभूमि की हमारी माँ जानकी है, हम उनके संतान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मिथिलांचल में और पूरे बिहार में माँ जानकी के आशीर्वाद से इनके संदेश को, अपने पूर्वजों के जो स्नेह प्यार है, माँ जानकी और जनक जी का जो कृति यहाँ है, उन सबों को विस्तारित रूप से हम लोगों के बीच रखें और आने वाले पीढ़ियों को अवगत कराएं कि माँ जानकी का स्नेह हम लोगों पर किस तरह बना था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए जन जागरण अभियान है और जानकी सेना मृत्युंजय जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। आज दरभंगा जिला का संगठन का विस्तार है, आने वाले समय में बिहार के 3500 जिला में जानकी सेना का विस्तार किया जाएगा। सीटीवी मिथिला के पूरे टीम के साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार।
वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, एमपी के बेहतरीन गेहूं से बना घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। आज की नारी है सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, एमपी के बेहतरीन गेहूं से बना घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पता बीएमपी 13 सोनकी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच बीएमपी 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस, यहाँ सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है। और यहाँ सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।